मैंने सुना है लंदन के एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के सामने एक बड़ी तख्ती लगा रखी थी और उस तख्ती पर लिख रखा था कि तीन तरह के फोटो यहाँ उतारे जाते हैं। पहली तरह के फोटो का दाम सिर्फ 5 रुपए है और वह फोटो ऐसा होगा जैसे आप हैं। दूसरी फोटो का दाम 10 रुपए है और वह ऐसा होगा जैसे आप दिखाई पड़ते हैं। तीसरी तरह के फोटो का दाम 15 रुपए है और वह ऐसा होगा जैसे आप दिखाई पड़ना चाहते हैं। गाँव का एक आदमी आया था फोटो निकलवाने, तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह पूछने लगा, तीन तरह के फोटो एक आदमी के कैसे हो सकते हैं? फोटो तो एक ही तरह का होता है, एक ही आदमी के तीन तरह के फोटो कैसे हो सकते हैं? और वह ग्रामीण पूछने लगा कि जब 5 रुपए में फोटो उतर सकता है तो 15 रुपए में कौन उतरवाता होगा? फोटोग्राफर बोला, ना समझ नादान, तो पहला आदमी आया है जो पहली तरह का फोटो उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक पहली तरह का फोटो उतरवाने वाला कोई आदमी नहीं आया। जिसके पास पैसे की कमी होती है तो वह दूसरी तरह का फोटो उतरवाता है, नहीं तो तीसरी तरह के ही लोग फोटो उतरवाते हैं। पहली तरह का तो कोई उतरवाता ही नहीं। कोई आदमी नहीं चाहता कि वह वैसा दिखाई पड़े जैसा कि वह है, दूसरों को भी वैसा दिखाई न पड़े और खुद को भी वैसा दिखाई न पड़े जैसा कि वह है। और इस बात को जानना बहुत कठिन मालूम पड़ता है कि मैं सच में क्या हूँ। हम सदा उसे दबाते हैं जो हम नहीं है। हम शरीर को तो बहुत देखते हैं आईने को सामने रखकर, लेकिन वह जो भीतर है उसके सामने कभी आईना नहीं रखते। और अगर कोई आईना सामने ले आए तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। किसी के आईना दिखाने पर हम आईना भी तोड़ देते हैं और उस आदमी का सिर भी फोड़ देते हैं। कोई भी आदमी भीतर के आदमी को देखने के लिए तैयार नहीं है। एक बार रामकृष्ण के पास जाकर एक आदमी ने कहा, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दे। रामकृष्ण ने पूछा, किस लिए कष्ट कर रहा है, किस लिए गंगा को तकलीफ देने जा रहा है, मामला क्या है? गंगा भी घबरा गई होगी, आखिर कितना जमाना हो गया उसे पापियों के पाप धोते धोते। वह आदमी कहने लगा, हाँ उसी के लिए जा रहा हूँ कि पापों से छुटकारा हो जाए। रामकृष्ण ने कहा, तुझे पता है गंगा के किनारे जो बड़े बड़े झाड़ हैं वे जानते हो किस लिए हैं? उस आदमी ने कहा, किस लिए हैं? मुझे पता नहीं है। रामकृष्ण ने कहा, पागल, तू गंगा में स्नान करेगा और पाप बाहर निकलकर झाड़ पर बैठ जाएगा। फिर तू स्नान करके निकलेगा तो वे झाड़ों पर बैठे तेरा रास्ता देखते होंगे कि आगे बेटे अब हम तुम पर फिर सवार होते हैं। वे झाड़ इसीलिए हैं गंगा के किनारे। बेकार मेहनत मत कर, तुझे भी तकलीफ होगी, गंगा को भी, पापों को भी, वृक्ष को भी। इस सस्ती तरकीब से कुछ हल नहीं होगा। लेकिन जब हम सस्ती तरकीबें ही खोज रहे हैं कि गंगा स्नान कर लेंगे और गंगा स्नान जैसे ही मामले हैं हमारे सारे, बाहर से व्यक्तित्व खड़ा करने की हम कोशिश करते हैं उसे झुठलाने के लिए जो हम भीतर हैं। टॉल्स्टॉय एक दिन सुबह सुबह चर्च गया। रास्ते पर कोहरा पड़ रहा था, 5 ही बजे होंगे। जल्दी गया था कि अकेले में कुछ प्रार्थना कर लूंगा। चर्च में जाकर देखा कि उससे पहले भी कोई आया हुआ है। अंधेरे में चर्च के द्वार पर हाथ जोड़े हुए एक आदमी खड़ा है और वह आदमी कह रहा है कि हे परमात्मा, मुझसे ज्यादा पापी कोई भी नहीं है। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत बुराइयां की हैं, मैंने बड़े अपराध किए हैं, मैं हत्यारा हूँ, मुझे क्षमा करना। टॉल्स्टॉय ने देखा कि कौन आदमी है जो अपने मुंह से कहता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं हत्यारा हूँ। कोई आदमी ऐसा नहीं कहता कि मैं हत्यारा हूँ, बल्कि किसी हत्यारे से यह कहो कि तुम हत्यारे हो तो वह तलवार निकाल लेता है कि कौन कहता है मैं हत्यारा हूँ। हत्या करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन यह मानने को राजी नहीं होता कि मैं हत्यारा हूँ। यह कौन आदमी आ गया है? टॉल्स्टॉय धीरे से उसके पास गया। आवाज पहचानी हुई मालूम पड़ी, यह तो नगर का सबसे बड़ा धनपति है। उसकी सारी बातें टॉल्स्टॉय खड़े होकर सुनता रहा। जब वह आदमी प्रार्थना कर पीछे मुड़ा तो टॉल्स्टॉय को पास खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है? टॉल्स्टॉय ने कहा, मैं धन्य हो गया तुम्हारी बातें सुनकर। तुम कितने पवित्र आदमी हो कि अपने सब पापों को तुमने इस तरह खोलकर रख दिया। तो उस धनपति ने कहा, ध्यान रहे, यह बात किसी से कहना मत, यह बात मेरे और परमात्मा के बीच हुई है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ खड़े हुए हो। अगर किसी दूसरे तक यह बात पहुँची तो तुम पर मानहानि का मुकदमा दायर करवा दूंगा। क्योंकि वह धनपति नहीं चाहता था कि लोगों को यह बात पता चले। अब परमात्मा कहीं भी नहीं है इसीलिए उसके सामने हम नंगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो आदमी जगत के सामने सच्चा होने को राजी नहीं है वह परमात्मा के सामने कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन यह डर क्यों है इतना? यह चारों तरफ के लोगों का इतना भय क्यों है? चारों तरफ से लोगों की आंखें एक एक आदमी को भयभीत क्यों किए हुए हैं? हम सब मिलकर एक एक आदमी को भयभीत क्यों किए हुए हैं? आदमी इतना भयभीत क्यों है? आदमी किस बात की चिंता में है? आदमी बाहर से फूल सजा लेने की चिंता में है, बस लोगों की आंखों में दिखाई पड़ने लगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, बात समाप्त हो गई। लेकिन लोगों की आंखों में अच्छा दिखाई पड़ने से मेरे जीवन का सत्य और मेरे जीवन का संगीत प्रकट नहीं होगा, और न लोगों की आंखों में अच्छा दिखाई पड़ने से मैं जीवन की मूल धारा से संबंधित हो सकूंगा, और न लोगों की आंखों में अच्छा दिखाई पड़ने से मेरे जीवन की जड़ों तक मेरी पहुंच हो पाएगी। बल्कि जितना मैं लोगों की फिक्र करूंगा उतना ही मैं शाखाओं और पत्तों की फिक्र में पड़ जाऊंगा, क्योंकि लोगों तक सिर्फ पत्ते पहुंचते हैं, जड़ें नहीं। जड़ें तो मेरे भीतर हैं, वे जो रूट्स हैं वे मेरे भीतर हैं, उनसे लोगों का कोई संबंध नहीं है। वहां मैं अकेला हूं, टोटली अलोन। वहां कोई कभी नहीं पहुंचता, वहां सिर्फ मैं हूं, वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, वहां किसी दूसरे की फिक्र नहीं करनी है। अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि जीवन मेरा बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, और अगर मैं चाहता हूं कि जीवन का परिपूर्ण सत्य प्रकट हो जाए, चाहता हूं कि जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए, मैं पहुंच सकूं उस लोक तक जहां सत्य का आवास है, तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी। वह जो क्राउड है, वह जो भीड़ है मुझे घेरे हुए है, उसकी फिक्र मुझे छोड़ देनी पड़ेगी। क्योंकि जो आदमी भीड़ की बहुत चिंता करता है वह आदमी कभी जीवन की दिशा में गतिमान नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है। इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ से मैं अपने सारे संबंध तोड़ लूं, जीवन व्यवस्था से अपने सारे संबंध तोड़ लूं। इसका कुल मतलब यह है
कि मेरी आंखें भीड़ पर ना रह जाए, मेरी आंखें अपने पर हूँ। इसका कुल मतलब यह है कि दूसरों की आंख में झांक कर मैं यह न देखूं कि मेरी तस्वीर क्या है, बल्कि मैं अपने ही भीतर झांक कर देखूं कि मेरी तस्वीर क्या है। अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है तो मुझे मेरी ही आंखों से भीतर झांकना पड़ेगा। दूसरों की आंखों में मेरा जो अपीयरेंस है मेरी असली तस्वीर नहीं है, और उसी तस्वीर को देखकर मैं खुश हो लूंगा, उसी तस्वीर को देखकर प्रसन्न हो लूंगा। वह तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा। अगर चार आदमी बुरा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा, चार आदमी अच्छा कहने लगेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। बस इतना ही है मेरा होना। तो मैं हवा के झोंकों पर जी रहा हूँ। हवा पूरब की ओर उड़ने लगेगी तो मुझे भी पूरब की ओर उड़ना पड़ेगा। हवा पश्चिम की ओर उड़ेगी तो पश्चिम की ओर उड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी कोई अपनी आत्मा नहीं है। मैं हवा का एक झोंका हूँ, मैं एक सूखा पत्ता हूँ कि हवाएं जहाँ ले जाएं बस मैं वहीं चला जाऊँ। कि पानी की लहरें मुझे जिस ओर बहाने लगे मैं उस ओर बहने लगूँ। दुनिया की आंखें मुझसे जो कहें वही मेरे लिए सत्य हो जाए। तो फिर मेरा होना क्या है? फिर मेरी आत्मा क्या है? फिर मेरा अस्तित्व क्या है? फिर मेरा जीवन क्या है? फिर मैं एक झूठ हूँ, एक बड़े नाटक का हिस्सा हूँ। और बड़े मजे की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूँ वह भी मेरे जैसे दूसरों की ही भीड़ है। बड़ी अजीब बात है कि वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूँ। हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली है, और भीतर जाने से डरते हैं कि कहीं यह तस्वीर मिट ना जाए। एक सप्रेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है, और जो नहीं है उसे थोप रहा है। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है। एक एक आदमी अनेक अनेक आदमियों में बट गया है, मल्टी साइकिक हो गया है। एक एक आदमी एक एक आदमी नहीं है, एक ही 24 घंटे में हजार बार बदल जाता है। नया आदमी सामने आता है तो नई तस्वीर बन जाती है उसकी आंख में, और वह बदल जाता है। आप जरा ख्याल करना कि अपनी पत्नी के सामने आप दूसरे आदमी होते हैं, अपने बेटे के सामने तीसरे, अपने बाप के सामने चौथे, अपने नौकर के सामने पांचवें, अपने मालिक के सामने छठवें। दिन भर आप अलग अलग आदमी होते हैं। सामने का आदमी बदला कि आपको बदलना पड़ता है। नौकर के सामने आप शानदार आदमी हो जाते हैं, और मालिक के सामने वह जो हालत आपके नौकर की आपके सामने होती है वही मालिक के सामने आपकी हो जाती है। आप कुछ हो या नहीं, पर हर दर्पण आपको बनाता है। जो सामने आ जाता है वही आपको बना देता है। बहुत अजीब बात है, हम हैं ही नहीं, हम एक अभिनय है, एक एक्टिंग है। सुबह से शाम तक अभिनय चल रहा है, सब कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम कुछ है। हमारे खीसे में पैसे हों तो हम वही आदमी नहीं रह जाते, बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते खीसे में तब बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। किसी मिनिस्टर को देखें जब वह पद पर हो, और फिर जब वह मिनिस्टर ना रह जाए तब उसको देखें। जैसे कि कपड़े की क्रीज निकल गई हो ऐसा वह हो जाता है। सब खत्म, आदमी गया, आदमी था ही नहीं जैसे। इसीलिए किसी नाटक का हिस्सा मत बनो, किसी अभिनय का हिस्सा मत बनो। वह जो तुम सत्य में हो उसे पहचानो। लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। भीड़ क्या कहती है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने भीतर झांको, देखो, अपने आप को पहचानो, और अपने आप से निर्णय लेना शुरू करो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक गांव में एक दिन सुबह सुबह बुद्ध का प्रवेश हुआ। गांव के द्वार पर ही एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ ईश्वर को, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। अब बुद्ध गांव के भीतर पहुंचे तो एक दूसरे व्यक्ति ने बुद्ध को कहा, मैं आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, क्या आप भी ईश्वर को मानते हैं? बुद्ध ने कहा, ईश्वर ईश्वर है ही नहीं, मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ईश्वर एक असत्य है। पहले आदमी ने पहला उत्तर सुना था, दूसरे आदमी ने दूसरा उत्तर सुना, लेकिन बुद्ध के साथ एक बिच्छू था आनंद, उसने दोनों उत्तर सुने। वह बहुत हैरान हो गया कि सुबह बुद्ध ने कहा ईश्वर है, और दोपहर बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। आनंद बहुत चिंतित हो गया कि बुद्ध का प्रायोजन क्या है। उसने सोचा, शाम को जब फुर्सत होगी और सब लोग विदा हो जाएंगे तब पूछ लूंगा। लेकिन शाम को तो मुश्किल और बढ़ गई। एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या मानते हैं, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध उसकी बात सुनकर चुप रह गए, और उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। रात को जब सारे लोग विदा हो गए तो आनंद बुद्ध को पूछने लगा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे बहुत झंझट में डाल दिया आपने। सुबह कहा ईश्वर है, दोपहर कहा नहीं है, और शाम को चुप रह गए, मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, उन तीनों में से कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं था, तूने वे उत्तर लिए क्यों? जिनके प्रश्न थे उनको उत्तर दिए गए थे, तुझे तो उत्तर दिए नहीं गए थे। आनंद ने कहा, क्या मैं अपने कान बंद रखता? मैंने तीनों बातें सुन ली है, यद्यपि उत्तर मुझे नहीं दिए गए हैं, लेकिन देने वाले तो आप एक हैं, और आपने तीन उत्तर दिए हैं। बुद्ध ने कहा, तू नहीं समझा, मैं उन तीनों की मान्यता तोड़ना चाहता था। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था। जो नास्तिकता में बंध जाता है उस आदमी की आत्मा भी परतंत्र हो जाती है। मैं चाहता था वह अपनी जंजीर से मुक्त हो जाए, उसकी जंजीरें तोड़ देनी थी, इसीलिए मैंने उससे कहा ईश्वर है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि वह जो यह मानकर बैठा है कि ईश्वर नहीं है, वह अपनी जगह से हिल जाए, उसकी जड़ें उखड़ जाए, उसकी मान्यता गिर जाए, वह फिर से सोचने को मजबूर हो जाए। वह रुक गया है, उसने सोचा है कि यात्रा समाप्त हो गई है, और जो भी ऐसा समझ लेता है कि यात्रा समाप्त हो गई है वह कारागृह में पहुंच जाता है। जीवन है आनंद
अनंत यात्रा, वह यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन हिंदू की यात्रा समाप्त हो जाती है, बौद्ध की यात्रा समाप्त हो जाती है और जैन की यात्रा समाप्त हो जाती है, गांधीवादी की यात्रा समाप्त हो जाती है, जिसको भी वाद मिल जाता है उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसने सत्य को पा लिया है, अब आगे खोज की कोई जरूरत नहीं है, सभी संप्रदायों की, सभी धर्मों की, सभी पकड़ने वालों की खोज समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने कहा, मैं उसे अलग करना चाहता था उसकी जंजीरों से, ताकि वह फिर से पूछे, वह फिर से खोजे, वह फिर से आगे बढ़ जाए। दोपहर जो आदमी आया था, वह आदमी आस्तिक था, वह यह मानकर बैठा था कि ईश्वर है। उसे मुझे कहना पड़ा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ताकि उसकी जंजीरें भी ढीली हो जाएं, उसके मत भी टूट जाएं, क्योंकि सत्य को वही लोग उपलब्ध होते हैं जिनका कोई भी मत नहीं होता। और शाम को जो आदमी आया था, उसका कोई मत नहीं था, उसने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। इसीलिए मैं भी चुप रह गया। मैंने उससे कहा कि तू चुप रहकर खोज, मत की तलाश मत कर, सिद्धांत की तलाश मत कर, चुप हो, इतना चुप हो जा कि सारे मत खो जाएं, तो शायद जो है उसका तुझे पता चल पाए। बुद्ध के साथ आप भी रहे होते तो मुश्किल में पड़ गए होते। अगर एक उत्तर सुना होता तो शायद बहुत मुसीबत ना होती, लेकिन अगर तीनों उत्तर सुने होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। बुद्ध का प्रायोजन क्या है? बुद्ध चाहते क्या है? बुद्ध आपको कोई सिद्धांत नहीं देना चाहते, बुद्ध आपके जो सिद्धांत है उनको भी छीन लेना चाहते हैं, बुद्ध आपके लिए कोई कारागृह नहीं बनाना चाहते, आपका जो कारागृह बना है उसको भी गिरा देना चाहते हैं, ताकि जीवन रूपी खुले आकाश को खुली आंख उपलब्ध हो जाए। लेकिन इससे भी क्या होता है, बुद्ध लाख चिल्लाते रहे कि तोड़ दो सिद्धांत, लेकिन बुद्ध के पीछे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने मनुष्य को मुक्त करने की चेष्टा की है, मनुष्य अजीब पागल है, उन्हीं लोगों को उसने अपना बंधन बना लिया है। फिर चाहे वह बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गांधी हो, कोई भी हो, जो भी मनुष्य को मुक्त करने की चेष्टा करता है, आदमी अजीब पागल है, वह उसी को अपना बंधन बना लेता है। दुनिया के सभी महापुरुष जो कि मनुष्य को मुक्त कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि मनुष्य उनको ही अपने बंधन में रूपांतरित कर लेता है। इसीलिए मनुष्य के इतिहास में एक अजीब घटना घटी है कि जो भी संदेश लेकर आता है मुक्ति का, हम उसको ही अपना एक नया कारागृह बना लेते हैं। इसी बात जितने भी मुक्ति के संदेश दुनिया में आए हैं, उतने ही ढंग की जंजीरें दुनिया में निर्मित होती चली गई। क्या आगे भी यही होगा? और आगे भी यही हुआ तो मनुष्य के लिए कोई भी भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। यह संभव हो सकता है कि जो आज तक हुआ है वह आगे ना हो, और ना हो तो मनुष्यता मुक्त हो सकती है। लेकिन मनुष्यता मुक्त हो या ना हो, एक एक मनुष्य को भी अगर मुक्त होना है तो उसे अपने चित्त पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर पड़ी हुई सारी जंजीरों को तोड़ देने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जंजीरें बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं, सोने की हैं, इसीलिए और भी कठिनाई होती है। महापुरुषों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है, सिद्धांतों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है, और शास्त्रों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। और अगर कोई मुक्त होने के लिए कहे तो वह आदमी दुश्मन मालूम पड़ता है, क्योंकि हम चीजों को मानकर निश्चिंत हो जाते हैं, खोजने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। और अगर कोई आदमी कहता है मुक्त हो जाओ, तो फिर खोजने की जरूरत शुरू हो जाती है, फिर मंजिल खो जाती है, फिर रास्ता काम में आ जाता है, और रास्ते पर चलने में तकलीफ मालूम पड़ती है। मनुष्य ने अपने आलस्य के कारण झूठी मंजिलें तय कर ली है, और हम सबने मंजिलें पकड़ रखी है। पहली बात, पहला सूत्र जीवन क्रांति का मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह यह है कि एक स्वतंत्र चित्त चाहिए, एक मुक्त चित्त चाहिए, एक बंधा हुआ, कैप्सूल के भीतर बंद, दीवालों के भीतर बंद, पक्षपातों के भीतर बंद, वाद और सिद्धांतों और शब्दों के भीतर बंद चित्त कभी भी जीवन में क्रांति से नहीं गुजर सकता। और अभागे हैं वे लोग जिनका जीवन एक क्रांति नहीं बन पाता, क्योंकि वे वंचित ही रह जाते हैं उस सत्य को जानने से कि जीवन में क्या छिपा है, क्या था राज, क्या था आनंद, क्या था सत्य, क्या था संगीत, क्या था सौंदर्य, उस सबसे ही वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए स्वतंत्र रहो और एक खोजकर्ता बनो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मैंने सुना है एक किसान ने एक खेत में एक झूठा आदमी बनाकर खड़ा कर दिया था। किसान खेतों में झूठा आदमी बनाकर खड़ा कर देते हैं, कुर्ता पहना देते हैं, हांडिया लटका देते हैं, मुंह बना देते हैं। जंगली जानवर उस झूठे आदमी को देखकर डर जाते हैं, भाग जाते हैं, पक्षी खेत में आने से डरते हैं। एक दार्शनिक उस झूठे आदमी के पास से निकलता था, तो उस दार्शनिक ने उस झूठे आदमी से पूछा कि दोस्त, सदा यहीं खड़े रहते हो, धूप आती है, वर्षा आती है, सर्दियां आती हैं, रात आती है, अंधेरा हो जाता है, तुम यहीं खड़े रह जाते हो, उबते नहीं, घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। वह झूठा आदमी की बातें सुनकर बहुत हंसने लगा। उसने कहा, परेशान परेशान में कभी नहीं होता, दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है, और इसी मजे के चक्कर में वर्षा भी गुजार देता हूँ, धूप गुजार देता हूँ, रातें भी गुजार देता हूँ, दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है, दूसरों को प्रभावित देखकर, भयभीत देखकर बहुत मजा आता है, दूसरों की आंखों में सच्चा दिखाई पड़ता हूँ, बस बात खत्म हो जाती है, पक्षी डरते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, जंगली जानवर भय खाते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, उनकी आंखों में देखकर कि मैं सच्चा हूँ बहुत आनंद आता है। उस झूठे आदमी की बातें सुनकर दार्शनिक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम
तुम जैसा कहते हो वैसी हालत मेरी भी है। मैं भी दूसरों की आंखों में देखता हूँ कि मैं क्या हूँ और उसी से आनंद लेता चला जाता हूँ। तो वह झूठा आदमी हंसने लगा और उसने कहा, तब फिर मैं समझ गया कि तुम भी एक झूठे आदमी हो। तो झूठे आदमी की एक पहचान है कि वह दूसरों की आंखों में देखता है कि वह कैसा दिखाई पड़ता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि वह क्या है, उसकी सारी चिंता उसकी सारी चेष्टा यही होती है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई पड़ता है। वे जो चारों तरफ देखने वाले लोग हैं वे उसके बारे में क्या कह रहे हैं। जो आदमी यह फिक्र करता है कि भीड़ क्या कहती है और जो भीड़ के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है, वह आदमी भीतर जो सोए हुए प्राण है उसको कभी नहीं जगा पाएगा। वह बाहर से ही वस्त्र ओढ़ लेगा, वह लोगों की आंखों में भला दिखाई पड़ने लगेगा और बात समाप्त हो जाएगी। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम नहीं है, हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम कभी नहीं थे, हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसा दिखाई पड़ना सुखद मालूम पड़ता है लेकिन वैसे हम है नहीं। मैंने सुना है जापान के एक गाँव में एक सुंदर युवा फकीर रहता था। सारा गाँव उसे श्रद्धा और आदर देता था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। गाँव में अफवाह उड़ी कि उस फकीर से किसी लड़की को एक बच्चा पैदा हो गया है। उस स्त्री ने अपने बाप को कह दिया है कि उसी फकीर का बच्चा है जो गांव के बाहर रहता है, वही फकीर इसका बाप है। सारा गांव टूट पड़ा उस फकीर पर, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। सुबह सर्दी के दिन थे, वह बाहर बैठा था। उसने पूछा कि मित्रों यह क्या कर रहे हो, क्या बात है? तो गांव वालों ने उस नवजात बच्चे को उसकी गोद में पटक दिया और कहा, हमसे पूछते हो क्या बात है, यह बच्चा तुम्हारा है? उस फकीर ने कहा, क्या ऐसी बात है? अगर तुम कहते हो ठीक ही कहते होगे, क्योंकि भीड़ तो कुछ गलत कहती ही नहीं, भीड़ तो हमेशा सत्य ही कहती है। अब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे। वह बच्चा रोने लगा तो वह फकीर उसे थपथपाने लगा। गांव भर के लोग उसे गालियां देकर वापस लौट आए और उस बच्चे को उसके पास छोड़ आए। फिर दोपहर को जब फकीर भीख मांगने निकला तो उस बच्चे को लेकर भीख मांगने निकला गांव में। कौन उसे भीख देगा? आप भीख देते? कोई उसे भीख नहीं देगा। जिस दरवाजे पर वह गया दरवाजा बंद हो गया। उस रोते हुए छोटे बच्चे को लेकर उस फकीर का उस गांव से गुजरना बड़ी अजीब सी हालत हो गई उसकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे चलने लगी उसे गालियां देती हुई। फिर वह उस दरवाजे के सामने पहुंचा जिसकी बेटी को यह बच्चा हुआ था और उसने उस दरवाजे के सामने आवाज लगाई कि कसूर मेरा है इसका बाप होने में, लेकिन इसका मेरा बेटा होने में क्या कसूर हो सकता है? बाप होने में मेरी गलती होगी लेकिन बेटा होने में इसकी तो कोई गलती नहीं हो सकती, कम से कम इसको दूध तो मिल जाए। उस बच्चे को जन्म देने वाली लड़की द्वार पर खड़ी थी, उसके प्राण कांप गए। फकीर को भीड़ से घिरा हुआ पत्थर खाते हुए देखकर छिपाना मुश्किल हो गया। उसने बाप के पैर पकड़ लिए, कहा, क्षमा करें, इस फकीर को तो मैं पहचानती भी नहीं, सिर्फ इसके असली बाप को बचाने के लिए मैंने इस फकीर का झूठा नाम ले लिया था। बाप आकर फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और बच्चे को फकीर से छीन लिया और फकीर से क्षमा मांगने लगा। फकीर ने पूछा, लेकिन बात क्या है, बच्चे को क्यों छीन लिया तुमने? लड़की के बाप ने कहा, आप कैसे ना समझ हैं, आपने ही क्यों ना बताया कि यह बच्चा आपका नहीं है? उस फकीर ने कहा, क्या ऐसा है, मेरा बेटा नहीं है? तुम तो सुबह कहते थे कि तुम्हारा है और भीड़ तो कभी झूठ बोलती नहीं है। अगर तुम बोलते हो नहीं है मेरा तो नहीं होगा। लोग कहने लगे कि तुम कैसे पागल हो, तुमने सुबह कहा क्यों नहीं कि बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम इतनी निंदा और अपमान झेलने को राजी क्यों हुए? उस फकीर ने कहा, मैंने तुम्हारी कभी चिंता ही नहीं की कि तुम क्या सोचते हो, तुम आदर देते हो कि अनादर, तुम श्रद्धा देते हो कि निंदा। मैंने तुम्हारी आंखों की तरफ देखना बंद कर दिया है। मैं अपनी तरफ देखूं कि तुम्हारी आंखों की तरफ देखूं? जब तक मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहा तब तक मैं अपने आप को नहीं देख पाया। और तुम्हारी आंख तो प्रतिपल बदल रही है और हर आदमी की आंख अलग है, हजार हजार दर्पण है, मैं किस किस में देखूं? अब मैंने अपने में ही झांकना शुरू कर दिया है। अब मुझे फिक्र नहीं कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम कहते हो कि बच्चा मेरा है तो ठीक कहते होगे, मेरा ही होगा, आखिर किसी का तो होगा ही, मेरा ही सही। तुम कहते हो कि मेरा नहीं है तो तुम्हारी मर्जी नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखना बंद कर दिया है। और वह फकीर कहने लगा कि मैं तुमसे भी कहता हूं कि कब वह दिन आएगा कि तुम दूसरों की आंखों में देखना बंद करोगे और अपनी तरफ देखना शुरू करोगे। अगर जीवन में क्रांति लाना चाहते हो तो दूसरों की आंखों से देखना बंद करो, अपनी से देखना शुरू करो। लोग क्या कहते हैं इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। रविंद्रनाथ एक रात अपने बजरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर कोई किताब पढ़ते थे। आधी रात को जब पढ़ते पढ़ते वे थक गए तो मोमबत्ती को फूंक मारकर उन्होंने बुझा दिया और किताब बंद कर दी। उस रात आकाश में पूर्णिमा का चांद खिला था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि रविंद्रनाथ हैरान हो गए यह देखकर कि बजरे की रंध रंध से छिद्र छिद्र से खिड़की से द्वार से चंद्रमा के प्रकाश की किरणें भीतर आ गई हैं और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया है। वे खड़े होकर नाचने लगे। उस छोटी सी मोमबत्ती के कारण उन्हें पता भी नहीं चला कि बाहर पूर्णिमा का चांद खिला है और उसका प्रकाश भीतर आ रहा है। तब उन्हें ख्याल आया कि छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश किस भांति चांद के प्रकाश को रोक सकता है। उस रात उन्होंने एक गीत लिखा। उस गीत में उन्होंने लिखा कि मैं भी कैसा पागल था, छोटी सी मोमबत्ती के मध्यम धीमे प्रकाश में बैठा रहा और बाहर चांद का प्रकाश बरसता था, उसका मुझे कुछ पता ना चला और मैं अपनी मोमबत्ती से ही बंधा रहा। मोमबत्ती बुझी तो मुझे पता चला कि बाहर द्वार पर आलोक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जो आदमी मत की सिद्धांत की शास्त्र की
मोमबत्तियों को जलाए बैठे रहते हैं वे परमात्मा के अनंत प्रकाश से वंचित हो जाते हैं। मत बुझ जाए तो सत्य प्रवेश कर जाता है और जो आदमी सब पकड़कर छोड़ देता है उस पर परमात्मा की पकड़ शुरू हो जाती है। जो आदमी सब सहारे छोड़ देता है उसे परमात्मा का सहारा उपलब्ध हो जाता है। बेसहारा हो जाना परमात्मा का सहारा पा लेने का रास्ता है। सब रास्ते छोड़ देना उसके रास्ते पर खड़े हो जाने की विधि है। सभी शब्दों सभी सिद्धांतों से मुक्त हो जाना उसकी वाणी को सुनने का अवसर निर्मित करना है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। मैंने सुना है कृष्ण भोजन करने बैठे हैं और रुक्मणी उन्हें पंखा झुला रही है। अचानक वे थाली छोड़कर उठ खड़े हुए और द्वार की तरफ भागे। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ कहां भागे जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इतनी जल्दी थी कि वे उत्तर देने को भी नहीं रुके। द्वार तक गए फिर द्वार पर जाकर रुक गए। थोड़ी देर में लौट आए और भोजन करने वापस बैठ गए। रुक्मणी ने कहा मुझे बहुत हैरानी में डाल दिया है आपने, एक तो पागलों की भांति उठकर भागे बीच भोजन में और मैंने पूछा तो उत्तर भी नहीं दिया, फिर द्वार तक जाकर वापस भी लौट आए, क्या था प्रयोजन। कृष्ण ने कहा बहुत जरूरत आ गई थी, मेरा एक प्यारा एक राजधानी से गुजर रहा था। राजधानी के लोग उसे पत्थर मार रहे थे, उसके माथे से खून बह रहा था, उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था, उसके कपड़े उन्होंने फाड़ डाले थे। भीड़ उसे घेर कर पत्थरों से मारे डाल रही थी और वह खड़ा हुआ गीत गा रहा था। न वह गालियों के उत्तर दे रहा था न वह पत्थरों के उत्तर दे रहा था। इसीलिए जरूरत पड़ गई थी कि मैं जाऊं, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर रहा था, वह बिल्कुल बेसहारा खड़ा था। मेरी एकदम जरूरत पड़ गई। रुक्मणी ने पूछा लेकिन आप द्वार तक जाकर वापस लौट आए। कृष्ण ने कहा कि जब तक मैं द्वार तक पहुंचा तब तक सब गड़बड़ हो गई। वह आदमी बेसहारा न रहा, उसने पत्थर अपने हाथ में उठा लिए, अब वह खुद ही पत्थर का उत्तर दे रहा है। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है इसीलिए मैं वापस लौट आया हूं। अब उस आदमी ने खुद ही अपना सहारा खोज लिया है, अब वह बेसहारा नहीं है। यह कहानी सच हो कि झूठ, इस कहानी के सच और झूठ होने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन एक बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है उसी दिन परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इतने कमजोर हैं हम, इतने डरे हुए लोग हैं हम कि हम कोई न कोई सहारा पकड़े रहते हैं, और जब तक हम सहारा पकड़े रहते हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। Thank for watching.